रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर चीज़ में ही होती है. इन्फ्लुएंसर हो तो आपको उसकी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हो आप. फैजू और टीम सेवन से मैं अभी तक यू नो आई हैवंट मेट देम पर्सनली. अच्छा, उन्हें जितना आप पॉपुलर होते हैं, जितने मिलियंस आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे बढ़ती जाती है. ऐसे ही फैजू का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसको लेकर FIR तक हो गया. क्या कहना चाहेंगे एज ए सर, आप लोग पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस वीडियो को प्रमोट करना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर चीज़ में ही होती है. इट्स नॉट जस्ट कि आप एक्टर हो तो आप एक्टिंग में यू नो रिस्पॉन्सिबल. इन्फ्लुएंसर हो तो आपको उसकी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हो आप. हर जॉब में, हर चीज़ जो आप करते हो, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू. एंड मैं बस बोलूँगी कि फैजू और टीम सेवन से मैं अभी तक यू नो आई हैवंट मेट देम पर्सनली, बट लोगों ने एज यूजल सब देख चुके हैं कितना प्यार उनको मिल चुका है टिकटॉक पे, कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं सबके, एंड सो मेनी पीपल आर फॉलोइंग देम. सो मैं जस्ट बोलूँगी एक्चुअली आई रियली डोंट नो वट हैज़ हैपन्ड प्रॉपरली एंड आई डोंट नो वट्स द मैटर. तो आप बिना छोटी छोटी बारी की जाने बिना आप कमेंट नहीं कर सकते हो, तो बहुत ही यू नो जेन्युइन नहीं होगा आई वुड से. सो मैं अभी कमेंट कुछ नहीं करना चाहूँगी, बट लेट्स सी, ऑडियंस के हाथों में है, जनता ने इतना प्यार दिया है, सो ऑब्वियसली जनता के हाथ में है. थैंक यू सो मच.